बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। आज मैं आपके साथ कुछ अपनी क्लीनिंग टिप्स इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने घरेलू टोटके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये देखते हैं कि ये पेयर ऑफ ग्लव्स हैं, एक जोड़ी ग्लव्स की है जो आपने हाथ में पहननी है। ये लेमन है, ये मीठा सोडा है, सोडा कार्बोनेट, जिससे ये लेमन के साथ ग्रीस को कट करेगा, साफ करेगा, ब्लीच करेगा। और मैंने इस वजह से थोड़ा सा इसमें डाल के रखा हुआ है। और ये मेरा वॉशिंग पाउडर है, आम जो वॉशिंग पाउडर आप कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको से स्टील की चीज़ें और घर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बेशक मेरे पास वो दूसरी चीज़ें भी हैं क्लीनिंग की, लेकिन उसमें कोई हार्श केमिकल पड़े होते हैं जो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसलिए मैं कुकिंग जहाँ पर करती हूँ उनके इर्द गिर्द मैं ये जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ये इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। और ये मेरा बाउल है स्टील का, जिसमें मैंने बॉइलिंग वाटर डालना है और इस कपड़े के साथ मैंने बाद में क्लीन कर देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने माइक्रोवेव और फ्रिज सिंक को कैसे साफ करती हूँ। मैंने इसको लगा लिया मीठा सोडा। अब आप यहाँ पर ये मैं इसलिए करती हूँ कि जो फूड का होता है, किसी भी स्प्रे वगैरह को आप करते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो वापस आपके फूड में आता है, तो इससे करने से ये साफ भी हो जाएगा, स्मेल भी अच्छी आएगी और जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। अब आप देखेंगे मैं दोबारा फिर इसमें मैं इसको टच कर रही हूँ और मैं अपनी फ्रिज में लेके जाऊँगी। ये देखें थोड़ी थोड़ी ग्रीस इकट्ठी हो जाती है, ये लेमन जूस अपना जूस छोड़ रहा है और मैं इस तरह स्क्रब करती जाऊँगी लेमन के साथ ही। मैंने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मैंने लेमन को ऊपर से पकड़ा हुआ है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको मेरा ये टिप बहुत पसंद आएगा। मैं लेमन मीठा सोडा दोनों को मिक्स करके उससे सफाई करती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ूंगी, फिर मेरा टॉवल मैं बॉइलिंग वाटर में डालूंगी और वो जरासीम से भी पाक हो जाएगा। और जो मेरा माइक्रोवेव है और मेरी फ्रिज है तो मैं इसको अच्छे से साफ कर दूंगी, ये ग्रीस वगैरह सारा कुछ इसमें साफ हो जाएगा। तो इसके से जो ऑड स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है, वो भी दूर हो जाती है। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ टेबल के ऊपर। ये देखिए मैंने फिर वो मीठा सोडा लगाया, फिर मैंने इस पे रब कर दिया, तो ये जो ग्रीस है, ये डस्ट है या किसी किस्म का फूड जो चमटा हुआ है, ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। ये देखिए इसको फिर मैं बाद में गर्म पानी के साथ साफ कर लूंगी तो ये साफ होता जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये खुद ही छोड़ रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टेबल अगर साफ नहीं हो रहा तो, ये सॉलिड वुड टेबल है जिसकी वुड खराब हो जाती है अगर आप ज्यादा इसकी ना करें तो, इस पे थोड़ी थोड़ी सी मैल किस्म की जमा हो जाती है। मैं थोड़ी सी प्रेशर के साथ थोड़ा सा प्रेस करके इस लेमन को इसके ऊपर रब कर रही हूँ, मल रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ये अपना काम खुद करेगा। और इससे घर में स्मेल भी अच्छी आएगी, कीड़े मकोड़े भी दूर होते रहेंगे, और आपके जो अगर खुदा ना खास्ता फूड भी कोई इस पे गिर गया, खाना वगैरह, तो वो भी ब्लीच वगैरह या कोई जहरीली चीज़ उसको नहीं लगेगी, सेफ होगा बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए। ये वही बेकिंग सोडा है जो लोग चनों में डालकर चने उबालते हैं या सालन वगैरह में या केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ को बहुत नरम से बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। ये देखिए मैंने अपना हाथ नहीं लगाना, मैंने लेमन के ऊपर ही रखना है,
तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं जब इसको साफ करूंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ही छोड़ूंगी ताकि जो मैल खचैल है ये उतर जाए। अब फिर मैं इसमें डिप करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सिंक, ये देखें, अब सिंक ऐसा है। अब आप देखेंगे कि मैंने इस पिक के ऊपर ऐसे मल दिया और ऐसे करके ये ऑल अराउंड इसको अच्छे से इर्द गिर्द लगा दें। ये थोड़ी देर के लिए रहने दें, एक दो मिनट के लिए, ताकि वो अपना काम खुद से करे। अगर ये किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंचती तो आप कह रहे हैं ऐसे कोई ले लें हाथ से, हाथ में, और ऐसे करके इन कोनों खुदरों में पहुंच जाए। यहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंचता, ऐसे करके। अब मैंने इसको छोड़ दिया। अभी मैंने इसका जो नोज़ल है वो भी करना है। तो अब मैं आपको ये मैं वॉश करके दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि कितना ही साफ सुथरा ये हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। और क्या इस्तेमाल किया मैंने, मीठा सोडा, वॉशिंग पाउडर और लेमन। ये देखिए, क्या आप इस रिज़ल्ट से खुश हैं? ये देखो, ऐसे चमक रहा है जैसे अभी मैंने नया ख़रीदा है। ये देखें, अब मैं आपको ये टोकरी जो बर्तनों की है इसको साफ करके दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे करती हूँ। ये देखें, ये ऐसे नीचे से ऐसे हो गई है, ठीक है। जो पानी होता है वो नुचड़ता रहता है, और ये हार्ड वाटर है यहाँ का, बेडफुट का, तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। अब मैंने इसको साफ करना है। मैंने वही जो तकरीबन ख़त्म हो चुका है लेमन लेना है और उसको इसी उस सोडे में मैंने डालना है और ऐसे लगा के इस पे मैंने लगा लेना है। ये देखिए, ये जो ड्राई होके खुश्क होके सफ़ेद सफ़ेद सी जम जाती है तय, ये उसको खार देता है और बहुत ही आसानी से ये साफ हो जाता है। ये देखिए, ये भी मेरे पास स्प्रे है, लेकिन मैं ये चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्योंकि मैं देसी बेबी हूँ और देसी स्टाइल को बहुत पसंद करती हूँ, ओरिजिनल, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो सस्ता भी पड़े, बेहतरीन कारकर्दगी भी हो और अच्छा हो। अब मैं आपको इसको धो के दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही साफ़ हो जाएंगे। और ये देखें,